एक छोटी सी बात ही बताऊंगा, अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन वो शाम को बताऊंगा, क्योंकि बच्चे अभी बहुत कम है और भारत का भविष्य बच्चों पर ही टिका हुआ है। आप सब फसलें बचाने में लगे हुए हो, हम सोच रहे थोड़ी नस्लें भी बच जाए तो ठीक रहे, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अभी एक छोटी सी बात, बच्चे सब पालती मार के बैठे हटे इंसान, हाँ अभी से अगर आप पौधे झुक जाओगे तो फिर आगे बढ़े कैसे बन पाओगे। बच्चों के लिए ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई। हर बच्चा चाहता है कि मैं बहुत बढ़िया मार्क्स लाऊं, नौकरी लग जाऊं, चाहते हैं ना, तो फिर गाय माता की शरण लीजिए। हंस रहे हैं बच्चे, गाय को पढ़ाई जुगाई लेना दोनों हमारा है सर। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन माय डियर सन, द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन। जिस दिन आप गाय माता को समझ गए ना बेटा, उस दिन आपको फिर तोते की तरह कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी विद्यार्थी बहुत कम हैं, इसलिए मैं केवल एक छोटा सा प्रमाण दे रहा हूँ बच्चों को, बाद में सारी वो डिटेल से बात बताऊँगा कि कैसे गाय माता आपका सहयोग करेगी। अभी तो आपको दो छोटे से नियम बता रहा हूँ, वो नियम सुन लीजिए। पहला नियम, जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे बहुत बढ़िया नंबर आने हैं, उस बच्चे को चाहिए कि सूर्य उगने से पहले हर हाल में उठ जाए। उसके लिए रात को समय पर सोना भी पड़ेगा। 10 बजे माता पिता को कह देते हो कि सो रहे हो, फिर मोबाइल पर बैठे बैठे अंगुली घुमाते रहते हो। 10 बजे आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बंद हो जाने चाहिए, टेलीविज़न, मोबाइल और किताब भी बंद हो जानी चाहिए। बच्चों का 10 बजे सोना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं शाम को बताऊँगा। आप सबको भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हम तो ये कहते हैं कि 12-1 बजे तक पढ़ो और आप ये उल्टी पार्टी पढ़ा रहे हो, जल्दी सुला दो। उल्टी नहीं, मैं सही पार्टी पढ़ा रहा हूँ। किसी भी बच्चे को रेगुलर आप 10 बजे बाद भी जगा रहे हो ना, धीरे धीरे वो अवसाद में आएगा। पहले साल उसके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर अगले साल देखना धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। विज्ञान इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है कि बच्चे को रात्रि को देर तक नहीं जगाना चाहिए, सुबह आप जल्दी उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय होने से पहले बच्चा उठे, उठ के स्नान करके, अगर स्नान नहीं हो पाए तो केवल ऐसे ही शुद्धिकरण का छींटा मार दे ठंडे, लेकिन 7 परिक्रमा गाय माता की जरूर करें। परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है बच्चों। धरती माता स्वयं सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा भी धरती की परिक्रमा करते हैं, तभी अपने कक्ष में टिके रहते हैं। आप लोग भी मंदिर जाते हो तो भगवान की फेरी लगाती हो, जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। और गौ माता के लिए अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है सर्वे देवा गवा मंगे, इसका वैज्ञानिक अर्थ होता है गौ माता के शरीर से रेगुलर पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जब कोई पढ़ने वाला बच्चा सुबह सुबह गाय माता की परिक्रमा करे तो गौ माता के शरीर से निकली हुई वो पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे की बुद्धि को सकारात्मक बनाती है, जिससे बच्चा जो कुछ पढ़ता है उसको तुरंत समझ में आता है और समझी हुई बात फिर वो भूलता है। और दूसरा काम, रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता का दूध पीना है। देसी गाय माता का पीना है, दूसरी गाय माता का नहीं पीना है। दूसरी तो गाय माता होती नहीं, होती कि विदेशी वर्णसंकर पशु है जिसको गलती से हम लोग गाय माता कह रहे हैं। गाय माता की 3 पहचान होती है बच्चों, पीठ पर थुई हो, गले में कंबल लटके और बोले तो उसके मुख से मीठी आवाज़ निकलनी चाहिए आजकल वो आती ना ऊपर से एकदम हवाईडी की तरह सपाट है, गले में कंबल होती नहीं, बोलती तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेसुरा बाजा पुपाड़ी बजू उठाओ। वो गाय माता नहीं है, वो विदेशी वर्णसंकर पशु है। देसी गाय माता का दूध रात को सोते समय पीना है, सावन महीने में नहीं पीना है। नहीं पीना है क्यों, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको केवल इन 2 नियमों का पालन करना है। अगर वर्ष पर्यंत आपने ये नियमों का पालन कर लिया तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि ये क्या हो रहा है। जो बच्चा इस साल 30% नंबर लाया वो अगले साल 90% नंबर तक ला सकता है। वैसे एक छोटा सा देसी प्रमाण देता हूँ मैं, हमारे पूर्वज इन सारी चीज़ों को जानते थे इसलिए उन्होंने नाम ही इसी कड़ी में रखे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है आप बैठे हुए सज्जनों से, गाय माता का बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो आप उसे क्या कहते हैं? बछड़ा। 6 महीने का हो जाता है फिर क्या कहते हैं? टोगड़ा। 12 महीने का हो जाता है तो केलड़ा। 1.5 साल का हो जाता है तो बेल। 2.5 साल का होता है नारियों के नारियों है, भूल गया हो, बोलो नहीं घरे रखो को नहीं, दूध देना बंद करे गाय माता ने छोड़ दो याद कट्ठा जुड़े बोलो नाम। और पूरा बड़ा हो जाता है तो सांड या बैल, यही ना, पहले बछड़ी हो, फिर टोकड़ी हो गयो, फिर केल्ड हो गयो, फिर नारी हो गयो, फिर सांड हो गयो। बोलो भाइयों, बड़ा कि नहीं बड़ा, आगे प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, तरक्की हुई कि नहीं हुई। और भैंस का बच्चा छोटा होता क्या कहते हैं? पड़ो। जवान हो जाता है तो भी पड़ो, और बुढ़ा होकर मर जाता है तो भी पड़ो, फटा फटा पड़ा ही रहता है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। ये नाम आपने हमने नहीं रखे, हजारों साल पहले अपने पूर्वजों ने रखे। और पहले लक्षण आधारित नामकरण की परंपरा थी, हमारे पूर्वजों ने संकेत की भाषा में हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि जो बच्चा गैया का दूध पी के पड़ेगा वो तो बछड़िए टोगड़िए केलडे नारिये बैल की तरह आगे बढ़ेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पाडा 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 ही। तो बोलो दूध किसका पियोगे? गाय का नहीं, देसी गाय माता का। किसका? चलिए समय अधिक हो गया है, 1 घंटे के लिए कार 2 घंटे होने आए हैं, इसलिए मैं अभी
अधिक बात न करते हुए अभी के सत्र को विराम देना भी आवश्यक, क्योंकि सुबह 8 बजे से तैयारी में लगे हैं। भूख भी सता रही है, प्यास भी परेशान कर रही है, पैर भी दुख दे रहे हैं। चलिए अभी के सत्र को विराम देना कई कारणों से आवश्यक है। पहले आप अपने कलश अपने हाथ में ले लीजिए आधे मिनट के लिए। शेष भाई बहन आधे मिनट के लिए अपने हाथ जोड़ लीजिए। जूते चप्पल अगर पहन रखे हो तो कृपया उतार के आधे मिनट के लिए अपने पास में रख देना, पैरों में न रखें। आधे मिनट के लिए हाथ जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें। प्रभु इन सब भाई बहनों को उत्तम बुद्धि मति विचार भाव शक्ति दे। जब तक इस जगत में रहे भगवती गौ माता जी की मात्र तो भाव से शरण ले, तत्प्रभाव से इनकी साधारण बुद्धि प्रज्ञा रितम्बरा भूमा जैसी उत्तमतम स्थिति को छू करके गौ माता की अखंड अंतर देवता को समझ करके पूर्ण शरणागति ले, जिससे इनके जीवन में कोई रोग दोष क्लेश संकट आधा बाधा नहीं आए, तंत्र मंत्र इनको नहीं सताए, भूत प्रेत इनको परेशान न कर पाए, आदिवादी बीमारियां रोग इनको न सताए, धन धन वे वो आनंद सदा इनके आंगन में निवास करें, और जब जगत छोड़ करके जाने का वक्त आए देनु कृपा प्रभाव से इनको यमदूत न सताए, आप स्वयं इनके लिए विमान पहुँचा और आप ही के पवित्र लोक में इन सबका निवास हो, इसी पवित्र मंगल कामना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरती करेंगे। आरती से पहले कुछ अति आवश्यक सूचनाएं आपकी सेवा में रख रहा है। देखिए अब मैं आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दे रहा हूं, सभी खूब ध्यान से सुनना। आपने अभी लगभग 1.25 घंटे गौ माता की महिमा सुनी है। गौ माता की कथा बहुत लंबी, पूरी कथा 42 घंटे तक चले तब जाके कहीं उसके खास खास विषय सुनाए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 7 दिनों तक कथा चलती है, और आपके इस क्षेत्र में भी अभी चल रही है। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में 10 तारीख से कथा शुरू हुई है, 16 तारीख चल रही है। वो कथा का सीधा प्रसारण दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मोबाइल पर एक ऐप है धेनु TV, उसके ऊपर भी आ रहा है। 2 मिनट बैठे आप लोग, बीच में 1-2 भाई भी उठते हैं, थोड़ा व्यवधान सा होता है। धौलपुर जिले में सरमथुरा करके कस्बा है, वहाँ 13 तारीख से 19 तारीख तक 7 दिन की कथा है। आपके पास में एक पलाड़ा करके गांव है, पलाड़ा में 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, यानी कि कल से कथा शुरू होगी, 18 तक चलेगी। मोकलपुर जो मेरता सिटी के पास है, वहाँ 9 तारीख से शुरू हुई है, 15 तारीख तक चलेगी। हरसोलाव में 17 तारीख से 23 तारीख तक है कथा। नाड़सर जो आपके नागौर जिले के गाँव में 22 तारीख से 18 तारीख तक, वहाँ तक भी है। 26 तारीख से 1 तारीख तक कालवा में है, और 26 तारीख से 1 तारीख तक भी डेगाना में है। ये सब अपने क्षेत्र के हैं, यानी कि इन्होंने 1-1 घंटे का सत्संग सुनने के बाद इनको लगा कि हमें 7 दिन की कथा सुननी ही चाहिए। तो 7 दिन की कथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी 1.5 घंटे में मैं सब नहीं बता पाया, काफ़ी सारी बातें हैं। आप चाहें तो शाम को अपन 2 घंटे का सत्संग और रख सकते हैं, आप चाहेंगे तो फिर 7 दिन की कथा भी रखेंगे, वो अगला विषय है। 2 घंटे का सत्संग आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो गौशाला में रखें, आप चाहें तो संस्कार स्कूल का जो मैदान है वहाँ पर भी रख सकते हैं। ज़्यादा अनुकूल किस कौन सा पड़ेगा शाम के समय? आप चाहें देखो, समय रहेगा शाम को 6 बजे से 8 बजे का। गौशाला वैसे सबसे उत्तम स्थान होता है कि गौ माता के बीच में गौ कथा हो, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आप सब अगर चाहें कि गौशाला में ही वो शाम का कार्यक्रम होना चाहिए, तो हाथ खड़े करके बताओ कि कौन कौन चाहते हैं कि शाम का कार्यक्रम गौशाला में होना चाहिए। चलिए नीचे करिए। संस्कार स्कूल की हिमायती जो है गांव में होना चाहिए, वो हाथ खड़े करो। देखे कम हुए, यानी कि शाम का कार्यक्रम अपना गौशाला में ही होना चाहिए। अच्छा एक बात और, एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूँ। गौशाला में होगा शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 2 घंटे की आनंदमयी सत्संग अपन गौ माता का इसी स्थान पर करेंगे, जिसमें जीवन की कई महत्वपूर्ण चीजें जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। आप अगर चाहें तो एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है संयोग से,
और ये यात्रा भी आई हुई है। गोपाष्टमी दो बार है इस बार, 15 तारीख को भी और 16 तारीख को भी। इस बार गोपाष्टमी भी दो है संयोग से, और आप चाहें तो इस पावन पर्व पर अपन कल से लेकर के और गोपाष्टमी तक 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, जिसमें ये दिव्य त्यौहार भी आ जाएगा, 7 दिन की कथा अगर रखें और आप सब सुनने का आनंद लेना चाहो तो 3-3 के घंटे की कथा, जैसे भागवत कथा होती है वैसे गौ कथा किसी भी शहर किसी भी कस्बे किसी भी गांव में सिर्फ एक बार होती है। भागवत कथा आप चाहो तो हर साल करा सकते, तो होती होगी यहाँ तो। गौ कथा बस ये यात्रा गुजर गई फिर बात भी गुजर जाती है, एक कस्बे में एक बार ही हो पाती, दोबारा कभी होती भी नहीं है क्योंकि वक्ता भी कम है। तो आप लोग अगर चाहें इच्छा रखें तो 7 दिन की कथा यहाँ हो सकती है। अगर आपकी भावना हो तो हाथ खड़ा करके बताओ कि हम भी 7 दिन का आनंद लेना चाहते हैं। चलिए नीचे कर दीजिए। अब 7 दिन की कथा भी गौशाला में रखें जो ज़्यादा अच्छा होगा या संस्कार स्कूल में रखें, बताइए। संस्कार स्कूल वाले हाथ खड़े करके देखो एक बार कि वहाँ कौन कौन रखवाना चाहते हैं, वहाँ कम में गौशाला में कौन कौन रखवाना चाहते हैं। सभी गौशाला में जाते हैं, बोलिए गौ माता की। ये इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ 1.5-2 घंटा आपने गौ महिमा सुन करके गौ माता को कुछ समझ लिया है, इसलिए आप चल करके दूर आने के लिए भी तैयार हैं। एक बार ताली बजाइए इस बात का, यही तो हम चाहते हैं आपसे जानना, भी यही चाहता कि आपके हृदय में वास्तव में गौ माता का प्रेम प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम सिर्फ कथा कहने नहीं आए, कुछ बदलाव के लिए भी आए हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूँ कि मीठड़ी की तकदीर तस्वीर और सूरत भी बदलनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब घर घर में गौ माता बन जाए, सड़क पर घूमती हुई गौ माताएं अपने आप लोगों के घरों में आ जाए। और ये आएगी क्योंकि अब तक दूध से लालच से गौ माता लोग रखते हैं, जब उनको पता चल जाएगा कि गौमूत्र ही 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा महंगा है तो लोग तो कैटली लेके पीछे पीछे घूमेंगे, उनको सुनी छोड़ेंगे ही नहीं। यही चीज़ हम सब जानना चाहते हैं, तो आप सब ये सुंदर विषय चाहते हैं, इसलिए साधुवाद। शाम को अपने को फिक्स 6 बजे कथा का समय, वो अपन दिन में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, शाम को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबकी राय लेकर के तय करेंगे समय जैसा अनुकूल होगा। सभी व्यापारी चाहें कि हम अपनी दुकान भी बंद नहीं करनी पड़े तो शाम को 6:30 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक का भी रख सकते हैं, और आप चाहेंगे तो सुबह 11 बजे से 2 बजे का भी रख सकते हैं। दोनों समय में जो सभी की राय होगी वो रखेंगे जैसा उपयुक्त होगा। अभी आपको ये कलश माताएँ सुनना, कोई भाई भी कलश लाए हैं तो वो सुनना, ये कलश शाम को अपने को 5:45 बजे वापस यहाँ लेके आना। 5:45 बजे एक विशेष आरती होगी, पहले वो आरती होगी गोपेश्वर बाबा और सखा श्री गोपाल जी की। भारत के पहले बेटियों 2 मिनट और बैठी है, बस आरती के बाद ही उठी है, 2 ही मिनट और आरती हो ही रही है। भारत के पहले ऐसे चलते फिरते मंदिर है जिनमें कोई दान की पेटी नहीं, रसीद बुक नहीं, ना कोई प्रसाद बाहर का चढ़ता है। आप चाहते तो कोई फल भी चढ़ाना चाहो तो नहीं चढ़ते, ठाकुर जी भोजन भी जिमते अपनी खुद की रसोई का। उनकी आरती होगी 5:45 से 6 बजे तक, 15 मिनट की अद्भुत आरती होगी। तो 5:45 बजे आप आ जाएं, 15 मिनट आरती करेंगे, फिर 6 बजे कथा शुरू होगी। ये कलश जैसे हैं वैसे ही वापस लाने हैं, ना तो कुछ डालना है अभी इसमें, ना कुछ खाली करना है। क्या डालना है वो मैं शाम को आपको बताऊंगा। ये जल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर ये जब अंत में आप इसके छींटे मारेंगे ना घर में, तंत्र दोष पितृ दोष प्रेत दोष वास्तु दोष ग्रह दोष पाप दोष साप दोष सब शांत होंगे। करोड़ों रुपए की कीमत का जल होगा ये आपके लिए। अभी केवल जैसे है वैसे लाना, कोई माता बहन नहीं लाई है, जानकारी नहीं थी तो वो शाम को दूसरे लोटे में भर के ले आए। कोई नहीं आए हैं और आप चाहते हो कि उनको भी लाभ मिलना चाहिए, मिल पधारोगे? हाँ सब पधारेंगे, तो सबको लेकर के आना है। 2 मिनट इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप लोग, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है। अब अंतिम सूचना, मैंने जितनी भी बातें बताई आपको स्मृति में नहीं रही हो तो पीछे कुछ पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी, उनमें वो सारी बातें लिखी हुई है। एक अंतिम सूचना आपको मनुष्यमित्र जी दे रहे, उसके बाद आरती होगी। आरती के समय जो कलश है आपको, ये कलश आरती के समय घुमाने हैं, यानी कि जल से आपको अपने स्थान पर आरती करनी है। कार्यकर्ता 2 जोड़ों को आगे तैयार करके रखें आरती के लिए, पहले बुला के रखें 2 दादा दादी को। बस आधे मिनट की सूचना है, उस सूचना के तुरंत बाद आरती होगी और आरती होते के फिर विसर्जन।
आधे मिनट खाली सुनने कोई खड़ा नहीं होगा। दोनों हाथ उठा के सभी लोग जयकारा लगा लेंगे। बोलिए गौ माता की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आप लोगों में से कुछ भाइयों ने यहाँ आकर के निवेदन किया है कि वो कुछ गुरुदेव भगवान को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, मतलब गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। पिछले गांव में भी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे कुछ कारण से कुछ माताएं बहनें भाई लेट आए तो उन्हें गुरु मंत्र नहीं मिल पाया, गुरु दीक्षा नहीं मिल पाई। तो पिछले गांव वाले भी कुछ भाई बहन यहाँ आए हैं, तो उनके निमित्त आप लोगों में से जिन्होंने निवेदन किया है, उनके निमित्त यहाँ जितने भी माताएं भाई बहन आप बैठे हैं, आप लोगों में से जिन्हें भी पूज्य गुरुदेव भगवान को अपना गुरु बनाना हो, मतलब गुरु मंत्र लेना हो, गुरु दीक्षा लेनी हो, वो शाम को कथा से एक घंटे पहले 5 बजे आप सभी लोग जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ सभी लोग पधार जाइएगा, वहाँ नाम लिखा जाएगा। जिन्हें भी गुरु दीक्षा लेनी है, जिन्हें भी गुरु बनाना है, वो 5 बजे पधारेंगे। साथ में किसी भी प्रकार का कोई सामान सामग्री या पैसे कोई नहीं लाएगा, बिल्कुल खाली हाथ आना है, लेकिन सही समय पे आइए। अगर आप भी लेट आएंगे तो जैसे पिछले गांव वाले यहाँ आए हैं गुरु मंत्र लेने के लिए, आपको भी अगले गांव में आना होगा। ये बहुत अलौकिक अवसर है मनुष्य के जीवन के, अनंत काल के जब पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे सद्गुरु का प्रागट्य होता है। तो जिन्हें भी गुरु बनाना है, शाम को 5 बजे कथा से एक घंटे पहले पधार जाएं। और अभी आप लोगों ने जितनी भी बातें पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुनी है, ये सारी दिव्य अलौकिक बातें मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने वाली हैं। मुश्किल से आप लोग को 15-20% याद होगा, बाकी सब आप लोग भूल गए होंगे। इसलिए बोले सद्गुरुदेव भगवान की। एक छोटी सी प्रार्थना है, शास्त्र कहते हैं कि कथा सुनने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कथा के बदले कुछ न कुछ दान देना चाहिए, तो ही कथा का पुण्य मिलता है। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि कहीं से कुछ लेना नहीं है, इसलिए हम तो नहीं ले सकते, पर आप चाहें कि कथा का पुण्य भी प्राप्त करना है तो गौ माता खाए वैसी कोई भी सामग्री, गुड़ दलिया बाटा खल बाजरा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो लेकर के सभी लोग आना। जिसको भगवान ने कम दिया है वो 1-2 किलो लाना, जिसको ज़्यादा दिया वो कट्टा भर के लाना, पर प्लास्टिक की थैली में कोई भी मत लाना, कपड़े के थैले में लाना या किसी बाल्टी में भर के लाना या बोरी में भर के लाना, प्लास्टिक की थैली में पॉलीथीन में पन्नी में नहीं लाना, खाली हाथ मत आना। जैसी आपकी क्षमता हो, गुड़ लाओ, चाहे दलिया लाओ, चाहे बाजरा लाओ, चाहे बाटा लाओ, चाहे खल लाओ, कुछ न कुछ गौ माता खाएं ऐसी वस्तु लाना, सीधी आप अपने हाथ से मत खिलाना, क्योंकि फिर एक ही एक को खिलाने से बीमार भी हो जाती है। यहाँ कार्यकर्ताओं को कहेंगे कोई साधन रखवा देंगे, उसमें डाल देना, बाद में ये अपने हिसाब से गुड़ लापसी बना करके जिमा देंगे, आपको पुण्य मिल जाएगा और गौ माता को भोजन मिल जाएगा। अब आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पन्ना जी, आरती के समय आपके पास रुमाल दुपट्टा नेपकिन टावेल चुंदरी जो भी हो सिर को ढक लें, जिन जिन के पास हो वो व्यवस्था अवश्य कर लें। साथ में आप लोग भी गुनगुनाएं, जैसी आरती आए आप लोग भी बोलने की कोशिश जरूर करें। कलश को आरती के समय घुमाना है आप लोगों को, सिर पे नहीं रखना है। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, जहाँ से प्रकट भई सृष्टि, करे नित पंच गव्य वृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग, बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, तुम्ही हो अमृत की नाभी,
शमन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथ नागन थैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, तुम्हें से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी घर आनंद कर देती, तुम्हारा गव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, भागवत गान तुम्हें करती, तुम्हें दुखियों के दुख हरती, तुम्हें से सुखी है ये धरती, तुम्हें हो संत करो दुख अंत, शरण वे तरण के वैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थे साधि, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय गोमाता, जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता, जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता, जय जय गुरुदाता, बोलिए पूज्या गौमाता की, नंदी बाबा की, सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धरती माता की, प्रकृति माता की, हनुमान जी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, भुवन भास्कर भगवान की, नागेश्वर महाराज की, सिंह बाबा की, वीरभद्र महाराज की, राम सावीर की, परशुराम भगवान की, गोरक्षनाथ भगवान की, दत्त भगवान की, हरिहर भगवान की, रोगा जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, कल्ला जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, भाती जी महाराज की, देव जी महाराज की, जुजार जी महाराज की, विज्ञा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, सती मैया की, करणी मैया की, ग्वाल मैया की, शाला मैया की, बस्ती नगर की, गौशाला धाम की, गौ भक्तों की, गौ रक्षकों की, गौ सेवकों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी भाई बहन जहाँ खड़े हैं अपने स्थान से आरती ले ले, पांच बार अपने जगह से सभी आरती ले ले, ताकि सभी को आरती का लाभ मिल जाए। आरती की थाली में किसी को पैसा नहीं रखना है, आप आरती की थाली में जो डालना चाहते थे वो पैसा पीछे जो यहाँ की गौशाला की दान पेटी रखी है उसमें डाल सकते हैं। आरती में किसी को पैसा नहीं डालना है, दान पेटी में आप जो भी हो अवश्य डाल के जाएं। शाम को 5:45 बजे आएं, अपने साथ गौ माता खाएं, वैसी कोई न कोई चीज़ जरूर लेकर के आएं, और बीमारों को परेशानों को विशेष रूप से लेकर के आएं। शेष दवाइयों की चर्चा भी करेंगे और दूसरी समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे और गौ माता की आनंदमयी महिमा भी सुनाएंगे। तो सभी आप लोग देरी किए बिना समय पर पधारें। अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को आज आधा घंटा निकालना, सबको पड़ोस वालों को कहना भाई इस प्रकार की यात्रा आई है और आज 2 घंटे का कार्यक्रम शाम को होगा, तो सबको आपको पधारना है। सभी को धन्यवाद। अलग गांवों से अगर कोई निमंत्रण के लिए आए तो आगे आके संपर्क कर लें। गाय माताओं के लिए बांटा बना रखा है, कोई अपने हाथ से जिमाना चाहे तो वहां जाकर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिमा सकते हैं।
गाँव से जो कार्यकर्ता आए हुए हैं आगे के आयोजन की व्यवस्थाओं को समझने के लिए वो आ जाएं। आप दूर से नमस्कार करके पधार जाएं, आगे आके किसी को प्रणाम नहीं करना है, आप सभी भगवान का ही रूप है, कोई अंतर नहीं है। दूर से प्रणाम करके आप लोग प्रेम पूर्वक पधारे, शाम को सभी समय पर आ जाना। ओम। थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग। अब सोलह तारीख को पैम्फलेट आपने वो नहीं छपाया जो आपको राजेंद्र सिंह जी ने, वो अलग है, वो छपाने आवश्यक है, उनको पढ़ के ही लोग ज़्यादा आएंगे, उसको पढ़ करके उतने नहीं आएंगे। ये बहुत सारी प्रिंटिंग के बाकी आपके पास जाए नहीं आपको ले ले और हां दे दे अच्छा हुआ तो आ जाए। बड़ी देर तो बंद करी।